गाइस, मैं हूं मोहम्मद वकास फ्रॉम इजी लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेडो की, कि एचटीएमएल के किसी एलिमेंट को हम शेडो किस तरह देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। तो डिफरेंट एलिमेंट्स को हम शेडो दे सकते हैं इसमें। तो मैं सबसे पहले यहां पर एक डिव क्रिएट करता हूं, डिव क्लास देता हूं इसे मैं बॉक्स की, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं इस क्लास को कॉल करता हूँ डॉट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी विड्थ देता हूँ 400 पिक्सल, हाइट चाहिए मुझे इसकी 200 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए इसका ब्लू। बॉर्डर मुझे चाहिए 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। मार्जिन मैं इसको देता हूँ ऑटो यानी सेंटर में आ जाए, प्लस थोड़ा सा टॉप से इसको मार्जिन देता हूँ मैं टॉप 50 पिक्सल, ठीक है। सेव करूँ एंड में ब्रैकेट को क्लोज किया, अपने पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है विद ब्लू बैकग्राउंड जिस पे मार्जिन और बॉर्डर भी अप्लाई है। अब मैं सिंपली इसका शेडो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ बॉक्स शेडो, ठीक है। शेडो के लिए मुझे 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, तो मैं सबसे पहले देता हूँ 30 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स, ठीक है। सेव करने के बाद प्लस इसका मैं बता देता हूँ कलर कि किस कलर में मुझे शेडो चाहिए, ठीक है। सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है इसका शेडो विथ येलो कलर। अगर इन शेडो को मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ तो हमारे पास एक सिंपल सा एक ये ट्रिक आपको मैं बता दूँ कि जब भी आप कुछ चीज़ में चेंजिंग करवाना चाहते हैं कुछ एलिमेंट में, तो आपको जस्ट यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी पे आप करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना होगा। तो यही पे मैंने बॉक्स क्रिएट किया है, बॉक्स के अंदर जो मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया तो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ मेरे पास आ चुकी हैं। बॉक्स शेडो की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ मतलब, तो इस पर डबल क्लिक करने के बाद इसकी सिंपली एरो अपर एरो को ज़्यादा मूव करूँगा, तो आप देख सकते हैं इसका जो शेडो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अगर इस वैल्यू को मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ मैं एरो को, ठीक है, बढ़ा दूँगा एरो से, तो ये इसका शेडो बढ़ता जा रहा है, साइज़ है हमारा शेडो जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मेरा शेडो जो है वो सॉलिड के बाद थोड़ा सा ब्लर होता जा रहा है एंड में बिल्कुल। और अगर मैं इसे कम करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो शेडो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है सॉलिड कलर का। तो इस तरीके से हम किसी बॉक्स को शेडो देते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।